प्रदेश के शिमला जिले की खूबसूरत पहाड़ियों में भी पोषण अभियान सफलता की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। खाते पीते इन स्वस्थ बच्चों के चेहरे बता रहे हैं कि पोषण अभियान ने इन्हें कितना सहारा दिया है। ये हैं 28 वर्षीय हाउसवाइफ सुनीता कुमारी। गर्भवती सुनीता को भी पोषण अभियान ने बड़ी राहत पहुंचाई है। मेरे पास एक बेटी पहले भी है, तो उस टाइम भी मैंने आंगनवाड़ी के थ्रू जो है अपने पूरी मतलब पोषण वगैरह के बारे में हर चीज़ के बारे में नॉलेज लिया था। तो अभी जैसे मेरे सेकंड प्रेगनेंसी हुई है, तो वैसे ही मैं आंगनवाड़ी के कार्यकर्ता के द्वारा जो है आंगनवाड़ी में आई, और हर जैसे इन्होंने टाइम टू टाइम दवाई खाने को मतलब कैल्शियम आयरन और पोषण वगैरह जैसे जैसे लेने को बोला वो सब अपनी डाइट में फॉलो किया। अपने होने वाले बच्चे के पोषण को लेकर अब वो निश्चिंत हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर माताओं को पोषण अभियान के बारे में जागरूक करते हैं। हरी सब्जियां, दाल, सोयाबीन, घी, दूध, मक्खन जैसे पौष्टिक आहार बच्चों को दिया जा रहा है। आंगनवाड़ी स्तर पर परिवार की जैसे मैरिज होती है उसके साथ ही साथ आंगनवाड़ी वर्कर उस परिवार का भ्रमण करती है। जैसे ही वो प्रेग्नेंट होती है मदर, तो उसका रजिस्ट्रेशन आंगनवाड़ी स्तर पर कर दिया जाता है। उसके साथ ही साथ हमारी कोशिश ये रहती है कि हमारी जितनी भी वहाँ पे प्रेग्नेंट महिलाएँ हैं उनको किस तरह से उनकी देखभाल की जानी है, किस तरह का आहार होना चाहिए, IFA टैबलेट्स उन्होंने लिए, आयरन कैसे कैसे लेना है। आंगनवाड़ी सेंटर के माध्यम से पूरक पोषाहार दिया जाता है। उसमें जो रेसिपीज़ इंक्लूड की गई हैं वो सारी रेसिपीज़ फोर्टिफाइड हैं, ताकि बच्चों को जो कमी आहार में घर पे रह गई है उस कमी को पूरा किया जा सके। मैं सरकार का जो है बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगी जिन्होंने ये सब योजनाएं बनाई है, और आने वाले टाइम में जो है वो इससे भी अच्छे से अच्छी योजनाएं बनाए ताकि सारी माताएँ बहनें वगैरह जो है इसका भरपूर आनंद उठा सके। हिमाचल प्रदेश में शिमला जिले की हर माँ इस अभियान का लाभ उठा रही है। स्वस्थ और हंसते चेहरे ये बता रहे हैं कि पोषण अभियान की गूंज इन पहाड़ियों के हर घर में सुनाई दे रही है। आज हर कोई जानता है पोषण अभियान के माध्यम से महिलाओं और बच्चों को उत्तम स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ मिल रहा है पौष्टिक आहार का लाभ।